जींद आगामी पंचायत और नगर परिषद के चुनाव कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की सहमति ली जा रही है। लोगों का वर्तमान सरकार से मोह भंग होता जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तवर का। वह सोमवार को जींद कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तवर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे पैंट पर धरने पर बैठे किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा 70 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मिलना चाहिए। राजनीति करने किसानों की मांग जायज है, वहाँ पर मुआवजा अगर भूमि अधिग्रहण होता है तो उनका ये है, पहली बात तो अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अधिग्रहण हो तो उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो 4 गुना बात खरीदी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध किया था, क्योंकि अगर ये नए कानून के हिसाब से देते तो 4 गुना मिलता। अध्यादेश ला करके ये किसान को कमजोर करने का ये पे तो दे ही नहीं रहे ये अध्यादेश। और उसमें मैं गया था 2 दिन पहले, किसानों ने वहाँ पर कहा कि हमारी जो मांग है वो ये है कि 70 लाख रुपए कम से कम मिले। बिल्कुल भेदभाव है और मैं समझता हूँ कि भेदभाव कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सांसदों के साथ दमनकारी नीति अपना रही है, क्योंकि जो सांसद लोकसभा सत्र के दौरान अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया है, जो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। 27 सांसदों को आज भारतीय जनता पार्टी की ताना सरकार ने बर्खास्त किया है, 5 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया है संसद से। ये पहली बार मैं समझता हूँ कि इस तरह का अवसर है, ये पहली बार है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर रहते हुए जिन सांसदों ने आवाज़ उठाई उनको 5 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया। तो ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश वर्तमान सरकार की। अजार टीवी से जींद से ऋषि मेहंदी दत्ता के साथ सनी मोगो की रिपोर्ट।